हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुहेल दलाल और आप सभी लोगों का स्वागत है डॉक्टर दलाल आयुर्वेदा में। फ्रेंड्स, क्या आप सदा जवान रहना चाहते हैं? सभी लोगों का जवाब होगा यस। दोस्तों, आज मैं आपके साथ उसी टॉपिक पे यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की उम्र कम होती है, 20, 25 या 30 साल में हम उन्हें देखते हैं कि उनकी एज बहुत ज्यादा लगती है और वो बूढ़े लगते हैं। मतलब कि अगर 25-30 साल में कुछ लोग ऐसे लगते हैं हमें कि जिनकी उम्र 40 साल या 45 साल हो, और कुछ ऐसे लोग भी हम देखते हैं कि जिनकी उम्र 40 साल, 50 साल, 55 साल, 60 साल हो, लेकिन उनके चेहरे पे उनकी उम्र नहीं दिखती है। तो दोस्तों, एंटी एजिंग के उस फॉर्मूले के बारे में आज आपके साथ मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूंगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिसकी वजह से छोटी उम्र में बुढ़ापा आ जाता है, और कौन से ऐसे कारण हैं कि जिससे हमें अवॉइड करना है, कौन सी ऐसी आयुर्वेदिक औषधियां हमें रेगुलर लेनी है, और हमें हमारे लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने हैं कि जिसकी वजह से हम सदा जवान और हमेशा यंग और एनर्जेटिक दिखें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो में जिसमें हम एंटी एजिंग के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले एंटी एजिंग के बारे में बात करने से पहले छोटी उम्र में बुढ़ापे आने के कुछ कारण के बारे में मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहला कारण जिसकी वजह से छोटी एज में बुढ़ापा आ सकता है, वो सबसे पहला कारण है इम्प्रॉपर डाइजेशन, यानी कि हमारा पेट सही ना होना, हमारी मेटाबॉलिज्म वीक होना, और हमारी जो पाचन की जो क्रिया है वो प्रॉपरली सही तरीके से फंक्शनिंग में नहीं होना। कुछ लोगों को जिनको कब्ज रहती है, एसिडिटी रहती है, और जिन लोगों का डाइजेशन ठीक नहीं होता है, वैसे लोगों को ओल्ड एज यानी कि वृद्धावस्था जल्दी आती है। दूसरा कारण लेट नाइट स्लीप, जो लोग बहुत लेट सोते हैं रात को, वैसे लोगों को बुढ़ापा जल्दी आ सकता है। तीसरा कारण लैक ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि अपने फूड में न्यूट्रिशनल खुराक का सेवन न करना, यानी कि जंक फूड, पैकेट फूड, मैदा, ऐसी सब चीजों का ज्यादा सेवन करना, और न्यूट्रिशन यानी कि शरीर को अच्छा पोषण देने वाली चीजें जैसे कि घी, दूध, रोटी, गेहूं, चावल, इसका सेवन कम करना, उसकी वजह से छोटी एज में बुढ़ापा आ सकता है। उसके बाद लैक ऑफ एक्सरसाइज, ज्यादातर लोगों की लाइफस्टाइल आजकल सेडेंटरी होती है, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती है, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं होती है, ये एक बहुत बड़ा कारण है छोटी एज में वृद्धावस्था आने का। उसके बाद मेंटल स्ट्रेस, दोस्तों ये बहुत बड़ा कारण है। आजकल की हमारी जो फास्ट लाइफस्टाइल है उसमें मेंटल स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन है कि जिसकी वजह से छोटी एज में बुढ़ापा आ सकता है। उसके बाद इम्प्रॉपर स्लीप, यानी कि कभी रात को लेट सोना, सुबह जल्दी उठ जाना, कभी सुबह लेट उठना, रात को जल्दी सो जाना, प्रॉपर स्लीप शेड्यूल ना होने की वजह से भी छोटी एज में बुढ़ापा आ सकता है। उसके बाद कुछ बीमारी, यानी कि शरीर में कोई बीमारी का लंबे समय तक चलना, या कुछ एलोपैथिक दवाइयों का लॉन्ग टाइम तक सेवन करना, उसकी वजह से भी जल्दी बुढ़ापा आ सकता है। आजकल की बात करें तो मोबाइल फोन का ओवर यूज करने की वजह से, मोबाइल फोन के जो रेडिएशन है उसकी वजह से भी बुढ़ापा जल्दी आ सकता है। और दोस्त, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, वो पोल्यूटेड एरिया में जो लोग पोल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं, उन लोगों को ऐसा समझ के चलना है कि नॉर्मल लोगों से उनकी जिंदगी 10 साल कम हो चुकी है, क्योंकि जो पोल्यूशन उनके फूड में और उनके सांस के द्वारा उनके जो शरीर में जा रहा है, वो उनकी एज को कम कर ही देने वाला है। तो दोस्तों, ये कुछ रीजंस के बारे में मैंने आपके साथ चर्चा करी कि जो छोटी उम्र में बुढ़ापा आपको दे सकते हैं। अब दोस्तों, कुछ ऐसे साइंस के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, कौन से ऐसे साइन है, कौन से ऐसे सिम्टम्स है, कौन से ऐसे लक्षण है हम छोटी एज में बूढ़े हो रहे हैं, वो हमें पता कैसे चलेगा। तो सबसे पहला जो लक्षण है, सबसे पहला जो साइन है, वो चेहरे पे ग्लो कम हो जाता है। मतलब कुछ लोगों का आप चेहरा देखेंगे तो आप उसके चेहरे को देख के आकर्षित हो जाएंगे, आपको उसका चेहरा देखने का मन करेगा, और कुछ लोगों का चेहरा बिल्कुल निस्तेज हो जाता है, चेहरे पे कोई भी ग्लो नहीं होता है, चमक नहीं होती है, बिल्कुल फीका सा और छोटा सा चेहरा हो जाता है। लैक ऑफ ग्लो, ये सबसे पहला साइन है बढ़ती हुई उम्र का। उसके बाद दूसरा साइन है बढ़ती हुई उम्र का पिगमेंटेशन। आपने देखा होगा ज्यादातर फीमेल्स में देखने को मिलता है, कुछ मेल में भी देखने को मिलता है, चेहरे पे पूरे फोरहेड पे या तो चिक्स पे या ये सब एरिया पे आपको देखने को मिलेगा पिगमेंटेशन देखने को मिलेंगे। पिगमेंटेशन का मतलब होता है झाइया, रेडिश स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, ये एज बढ़ने की निशानी है फ्रेंड्स। उसके अलावा डार्क सर्कल, आंखों के नीचे काले धब्बे का हो जाना, बड़े बड़े काले धब्बे हम लोगों को देखते हैं आंखों के नीचे, ये डार्क सर्कल भी एक एज बढ़ने का सिम्टम, एक लक्षण है, एक साइन है। उसके बाद चेहरे पर रिंकल्स यानी कि झुर्रियों का पड़ जाना, छोटी उम्र में या बड़ी उम्र में हमने देखा है काफी लोगों को छोटी उम्र में भी चेहरे पर झुर्रियां आने लगती है,
ये उम्र बढ़ने का एक लक्षण है। उसके अलावा हेयर लॉस यानी कि बालों का झड़ना और बालों में टाल पड़ जाना, मतलब सारे सारे के सारे बाल चले जाना या तो बालों का रेगुलर झड़ने लगना, ये भी उम्र बढ़ती हुई उम्र के लक्षण है। और उसके अलावा प्री मेच्योर ग्रेइंग हेयर यानी कि छोटी उम्र में बालों का सफेद होना। दोस्तों प्री मेच्योर ग्रेइंग हेयर के बारे में ऑलरेडी हमने हमारे चैनल पे एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। उसके क्या कारण है और उसमें हमें कौन सी आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन करना है वो उस वीडियो में मैंने विस्तार से बताया हुआ है फ्रेंड्स। तो ये सारे साइंस मैंने आपको बताया, ये सारे सिम्टम्स और लक्षण मैंने आपको बताया कि जो आपकी उम्र बढ़ रही है, अगर आप में ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप बूढ़े हो रहे हैं। अब दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूं कि हमें क्या करना है कि जिससे हम हमारी बढ़ती हुई उम्र को रोक सके। व्हाट टू डू, सबसे पहला आपको प्रॉपर टाइम पे सोना है और प्रॉपर टाइम पे उठना है, यानी कि रात को 11 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक का आपको एक प्रॉपर स्लीपिंग स्केड्यूल बनाना है। रात को 11 से सुबह 7 या तो रात को 10 से सुबह 6 बजे तक का 8 घंटे का आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है और इसी शेड्यूल के दौरान आपको डेली सोना है। दूसरा आपके जो खान पान है, आपका जो मील्स है, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, ब्रेकफास्ट कैसे खाना है, लंच कैसा होना चाहिए और डिनर कैसा होना चाहिए, उसके बारे में मैंने आयुर्वेदिक डाइट प्लान करके हमारे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो रखा हुआ है फ्रेंड्स, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप उसको जाके देख सकते हैं कि किस तरह और क्या खाना है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपका सुबह का खाना, दोपहर का खाना और रात का खाना न्यूट्रिशनल होना चाहिए और उसके बीच में प्रॉपर 4 से 5 घंटे का गैप होना चाहिए फ्रेंड्स। उसके बाद तीसरी चीज आपको करनी है रेगुलर एक्सरसाइज, योगा या तो प्राणायाम। ये तीन में से आप कुछ भी कर सकते हैं, या तो रेगुलर एक्सरसाइज करें या योगा करें या प्राणायाम करें, इसमें से कोई भी एक चीज आप कर सकते हैं। चौथी चीज आयुर्वेद के बेहतरीन पंचकर्म चिकित्सा के अंतर्गत पाई जाने वाली चीज है जिसे अभ्यंगम कहा जाता है। अभ्यंगम मतलब के आयुर्वेदिक ऑयल से आप अपनी बॉडी को मसाज कर सकते हैं। आपको एक बेहतरीन आयुर्वेदिक ऑयल का नाम मैं बताता हूँ, महानारायण तेल। आप अपनी बॉडी को महानारायण तेल से डेली मसाज करके फिर आप उससे शावर लीजिए, आपकी त्वचा हमेशा चमकदार रहेगी। और उसके बाद आपके माइंड को रिलैक्स रखना, यानी कि रिलैक्सेशन ऑफ माइंड। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में दोस्तों लोगों को माइंड को रिलैक्स करने का मौका ही नहीं मिलता है। आपको क्या करना है, साल में कम से कम 2 बार हर 6 महीने पे 8 से 10 दिन की छुट्टी लेके घूमने जाना है, अपने माइंड को रिलैक्स रखना है। और एक चीज आपको बताऊं, नस्य हमेशा करते रहे। नस्य आयुर्वेद की पंचकर्म चिकित्सा के अंतर्गत 5वें नंबर की चीज है। हमारे शरीर का जो ऊर्ध्व जत्रोगत भाग है, गर्दन से ऊपर का जो भाग है उसको शिर कहा जाता है। और नाक में अणु तेल का नस्य रेगुलर करें। अणु तेल एक आयुर्वेदिक औषधि है। आपको क्या करना है, सीधे सो के सर को थोड़ा सा नीचे की ओर लटका के अणु तेल की 2-2 बूंदे रात को सोते वक्त दोनों बाजू नाक में डाल के उसको अंदर से ऐसे खींच लेना है। अणु तेल का नस्य रेगुलर करने से आप अपनी एज, आपकी एज कम होती हुई दिखाई देगी। उसके बाद आपको एंटी एजिंग डाइट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि खान पान में हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो सबसे पहले हमारे खुराक में से हमें जंक फूड और पैकेट फूड और ब्रेड, इसको बिल्कुल ही दूर कर देना है फ्रेंड्स, इसको हमें खाना ही नहीं है। सीजनल फ्रूट आप रेगुलर खाइए, जो फ्रूट्स विंटर्स में आते हैं उसे विंटर्स में खाइए, जो फ्रूट्स समर में आते हैं उसको समर में खाइए, और जो फ्रूट्स आपको मॉनसून में आते हैं उसको मॉनसून में जरूर से खाइए। फ्रूट खाने का सही तरीका क्या है उसके बारे में हमने हमारे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ कि फ्रूट्स हमें कब खाने चाहिए, कब नहीं खाने चाहिए, किस चीज के साथ खाने चाहिए और किसके साथ नहीं खाने चाहिए। तो ये आप वीडियो जरूर देखिएगा। और आपको ये याद रखना है कि आपको सीजनल फ्रूट्स हमेशा खाने हैं। उसके बाद हरे पत्ते वाली सब्जियों का सेवन रेगुलर करें। दिन में कम से कम 3 लीटर पानी का सेवन करें। अपने खुराक में स्प्राउट्स यानी कि मूंग, मठ, चना, इसको अंकुरित करके उसको बॉईल करके स्प्राउट के स्वरूप में उसका सेवन रेगुलर करें। उसके बाद वेजिटेबल सूप्स रेगुलर पीजिए, जैसे ब्रोकली का सूप है, पालक का सूप है, कॉर्न सूप है, इस तरीके से सूप्स का रेगुलर सेवन करिए। अपने फूड में कम से कम दिन में एक बार हर्बल टी का सेवन जरूर करें, क्योंकि हर्बल टी एक बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे शरीर की धातुओं को नरिशमेंट करता है। उसके बाद स्मोकिंग, अल्कोहल, चाय और कॉफी, अगर इसका आपको आदत है तो इसको बिल्कुल अवॉइड करें दोस्तों। और आपके खुराक में आप गाजर का रेगुलर सेवन करें, टोमेटो का रेगुलर सेवन करें और पंपकिन का रेगुलर सेवन करें। पंपकिन का मतलब होता है कद्दू, कद्दू या कुष्मांड आयुर्वेद में इसको कहा जाता है। गाजर, टोमेटो और कद्दू, ये 3 चीजों का आप रेगुलर जूस बना के सेवन भी कर सकते हैं। गाजर, कद्दू और टोमेटो का जूस बना के भी आप सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा
कुछ आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिसका आप नित्य सेवन कर सकते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहली चीज है आंवला। रोज सुबह उठ के दोस्तों आप एक चम्मच आंवले का पाउडर या तो उसके ऑप्शन में एक चम्मच रसायन चूर्ण, इसका सेवन गर्म गुनगुने पानी के साथ सुबह खाली पेट कर सकते हैं। याद रखिएगा, उसका सुबह खाली पेट सेवन करने के बाद एक घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। दूसरा है अश्वगंधा। अश्वगंधा एक बेस्ट एंटी स्ट्रेस और रिजनरेशन मेडिसिन है जो आपको सदा जवान रख सकती है। अश्वगंधा की टेबलेट या पाउडर के स्वरूप में आप उसका सेवन करिए। अश्वगंधा का पाउडर लेना चाहते हैं तो रात को आधी चम्मच आप दूध के साथ ले सकते हैं। अश्वगंधा की टेबलेट लेना चाहते हैं तो दो गोली रात को दूध के साथ आप सेवन कर सकते हैं। हल्दी का हमेशा सेवन करें दोस्तों। गोल्डन मिल्क हमेशा पीजिए। एक कप गर्म दूध के साथ आधी चम्मच हल्दी मिक्स करके रात को हमेशा उसका सेवन करिए। और अपने पेट को, अपने आंतड़ियों को क्लीन रखने के लिए त्रिफला चूर्ण का सेवन रात को सोते वक्त गर्म गुनगुने पानी के साथ जरूर से करें। त्रिफला चूर्ण के क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके बारे में हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है, जिसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप त्रिफला के बेनिफिट्स उसमें जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने चर्चा करी एंटी एजिंग के बारे में, सदा जवान रहने के लिए आपको क्या क्या करना है और कौन कौन सी आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करना है। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल डॉक्टर दलाल आयुर्वेदा को जरूर से सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगले वीडियो के साथ जरूर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।